हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 5 अमेजिंग DIY फॉर अपकमिंग फादर्स डे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला DIY है दिस रॉक पेंटिंग। इसके लिए मैंने 16x25 cm का एक कार्डबोर्ड लिया है और उसे मास्किंग टेप की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। अब मैंने इसको ग्रे कलर से पेंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे 2 स्टोन ले रही हूँ। इसे हम यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। अब मैं इनकी ब्लैक एक्रेलिक कलर से नोज एंड हैंड ड्रॉ करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप गूगली आईज का भी यूज कर सकते हैं। ये पेंटिंग आप अपने बच्चों के साथ इजीली घर पे बना सकते हैं। सो इट्स कंप्लीट। नाउ मैं यहाँ पर एक कोट लिख रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मार्कर पेन। आप यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकती हैं। थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं इसको ब्लैक एक्रेलिक कलर से हल्का हल्का सा 3D इफेक्ट दूँ जो इसके लुक को थोड़ा सा इनहेंस कर देगा। अब मैं यहाँ पे गोल्डन एक्रेलिक कलर ले रही हूँ। इससे मैं ब्रश की हेल्प से चारों ओर ऐसे डैप डैप करके कुछ बॉर्डर स्टाइल क्रिएट करूंगी। हल्का हल्का सा आपको इस पे डैप करना है। अगर आपके पास ब्रश से नहीं है तो आप स्पॉन्ज से भी कर सकती हैं। सो इट्स डन। हमारा दूसरा DIY है दिस ब्यूटीफुल सा बो स्टाइल कुशन कवर। इसके लिए मैंने एक ओल्ड शर्ट ली है। अब मैं इस ओल्ड शर्ट के ऊपर अपना कोई भी पुराना कुशन कवर रखकर मार्किंग कर लूंगी। मैंने 1-1 inch के गैप पर चारों ओर एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। अब मैंने इसको उसी मार्किंग के ऊपर कट कर लिया है। अब आप इसमें रिवर्स करके एक बटन खोल के इसका स्टिचिंग करें। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मशीन से चारों ओर स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको सीधा करूंगी। ये देखिए सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये क्यूट सा बो। ये मैंने अपनी डॉटर की ड्रेस में से बनाया है। अब मैं इसे यहाँ फेबिकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी इस तरह से। मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बटन का यूज किया है और इसे भी मैंने स्टिच कर लिया है स्टिकर एंड थ्रेड की हेल्प से। सो इसी के साथ हमारा सेकेंड DIY कंप्लीट होता है। चलते हैं हमारे थर्ड DIY पर जो है ये टी कोस्टर। इसे बनाने के लिए मैंने एक ओल्ड CD का यूज किया है। अब मैंने राउंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से थोड़ा सा CD से बड़ा एक कपड़ा कट कर लिया है। अब मैं इस पे फेबिकॉल की हेल्प से इस कपड़े को पेस्ट कर दूंगी। अब आप सीजर की हेल्प से इस पे साइड पे कट लगाएं। जब भी हमें इसको
फोल्ड करें तो ये नीटली फोल्ड हो। अगेन हम फेविकॉल अप्लाई कर देंगे और इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा फोल्ड हो जाएगा। अब आप देखिए हमें कितना नीट लुक मिला है। अब हम इसको पीछे कवर करने के लिए सीडी की साइज का एक फैब्रिक दोबारा कट करके इसको भी पीछे इसी तरीके से फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर एक फोम शीट से कट किया हुआ हर्ट ले रही हूँ। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अब मैं यहाँ कुछ स्टिकर ले रही हूँ, इससे मैं लिखूंगी लव यू डैड। अगर आपके पास इस तरीके का कोई स्टिकर नहीं है तो आप फॉर्म शीट का भी यूज कर सकते हैं। सो इट्स डन। अब हम बनाएंगे ये स्टिकी नोट पैड। इसे बनाने के लिए मैंने पहले की तरह जो सीडी पे कवर किया था उसी तरीके से इस पे भी मैंने फैब्रिक को कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक वूल थ्रेड ले रही हूँ, इसको मैं इसके ऊपर टाई कर दूंगी कुछ इस तरीके से। टाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं यहाँ पर एक क्लोथ पिन ले रही हूँ, इसको मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक फोम फ्लावर लेकर इसके एक होल के अंदर इसको इस तरीके से इंसर्ट करके एडजस्ट कर दूंगी। अब मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टिकी नोट्स ले रही हूँ और इसको इस तरीके से इसमें हैंग कर दूंगी। सो इस तरीके से हमारा ये स्टिकी नोट पैड रेडी हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डीआईवाई के ऊपर। ये है एक फोटो फ्रेम। इसे बनाने के लिए मैंने एक वुडन पीस लिया है। अगर आपके पास वुडन पीस नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। अब मैं इसे ग्रे कलर के एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दूंगी। सो मैं इसे कंप्लीटली ड्राई कर लिया। अब मैं यहाँ एक जूट रोप ले रही हूँ, इस जूट रोप को मैं इसके ऊपर टाई कर दूंगी कुछ इस तरीके से। मैं इस जूट रोप की 4 लेयर्स इसके ऊपर टाई कर दूंगी। जिस तरीके से ये लगेगा। इसके बाद मैं एक और छोटू सा पीस लेके अगेन इसके ऊपर टाई कर दूंगी। अगर आपके पास जूट थ्रेड नहीं है तो आप वूल थ्रेड का भी यूज़ कर सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर एक जूट बैग की हेल्प से ये बो रेडी किया है और इस पर एक बटन अप्लाई किया है। अब मैं इसे यहाँ पर स्टिक कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ फैब्रिकॉल। सो नाउ अब मैं यहाँ पर एक कोट लिख रही हूँ द हेल्प ऑफ मार्कर पेन। आप कुछ भी कोट लिख सकती हैं। मैं यहाँ पर वर्ड बेस्ट पापा लिख रही हूँ। छोटे छोटे से मैं इसको और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हार्ट बना रही हूँ। आपके हिसाब से आप कुछ भी डिजाइनिंग कर सकती हैं। नाउ मैंने थोड़ा सा इसको मोटा करने के लिए ब्रश लिया है। अब मैं यहाँ पर एक फोटो लेके और इसको क्लोथ पिन की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर दूंगी। सो दिस इज डन। थैंक यू सो मच।